आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज इंदौर में मैग्निफिशेंट एमपी निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के साथ उद्योगपति आदि गोदरेज, दिलीप सांघवी, संजीव पुरी, विक्रम किर्लोस्कर और एम श्रीनिवासन मौजूद रहे। 900 से ज्यादा जाने माने उद्योगपतियों की मौजूदगी में रंगारंग प्रस्तुति के साथ इसका आगाज हुआ। इसके बाद लेजर शो के जरिए प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैग्निफिशेंट एमपी कोई मेला नहीं है, न ही सिर्फ एमओयू साइन करने के लिए रखा गया एक कार्यक्रम। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने का एक मंच है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 70% आबादी कृषि आधारित है। श्री नाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का टाइगर कैपिटल है। हमारा मकसद प्रदेश को उद्योगों का हब बनाना है। सम्मेलन में उद्योगपति मुकेश अंबानी ने वीडियो संदेश के जरिए अपनी बात रखी। झाबुआ विधानसभा उपचुनाव के लिए कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। इससे पहले सभी प्रत्याशी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया आज राणापुर, कुंदनपुर और बोरी क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। गृहमंत्री बाला बच्चन, जीतू पटवारी, ओमकार सिंह मरकाम सहित अन्य मंत्री भी विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भानु भूरिया के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के मौके पर बापू की प्रदेश यात्राओं पर आधारित विशेष श्रृंखला मध्य प्रदेश में महात्मा हर शनिवार को प्रसारित की जा रही है। कल के अंक में आप बापू के खंडवा प्रवास के संस्मरण सुन सकते हैं। सागर में आयोजित किया जा रहा 2 दिवसीय 10वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कल संपन्न हो गया। समापन समारोह में संस्कृति मंत्रालय के सभी 7 जोन के कलाकारों ने दक्षिण से लेकर उत्तर और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया। जबलपुर और सागर के बाद अब रीवा में 20 और 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय संस्कृति उत्सव का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पहली बार आयोजित हो रहे इस महोत्सव में सुप्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल, मालिनी अवस्थी सहित विभिन्न अंचलों के लोक कलाकार अपने लोक नृत्य की प्रस्तुति देंगे। ग्वालियर जिले के डबरा के पास समुदन गांव में गायों के मरने की घटना को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। कलेक्टर अनुराग चौधरी ने घटना की जांच डबरा के अनुविभागीय अधिकारी राघवेंद्र पांडे को सौंपी है। श्री पांडे 3 दिन में जांच रिपोर्ट पूरी कर सौंपेंगे। आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने भी समुदन गांव पहुंचकर घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने फसलों के नुकसान करने पर स्थानीय शाला प्रांगण में बने एक कमरे में गायों को बंद कर दिया था। कई दिन तक बंद रहने के बाद इनमें से 17 गायों की मौत हो गई थी। जबलपुर में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मझगवा में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 1000 से ज्यादा लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। इस दौरान 150 लोगों की समस्याओं का अधिकारियों ने मौके पर ही निराकरण किया। शिविर में ही दिव्यांगों को 10 ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। वहीं मुख्यमंत्री जन कल्याण नया सवेरा योजना के तहत 5 लोगों को 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह सहायता और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 10 लोगों को 51,000 की राशि प्रदान की गई। इस दौरान स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगाया गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कल से रांची में खेला जाएगा। विशाखापट्टनम और पुणे में खेले गए दोनों मैच जीतने के साथ ही भारत 2-0 से श्रृंखला जीत चुका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना सांसद गणेश सिंह के नेतृत्व में निकाली जा रही गांधी संकल्प यात्रा रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र के बिहारा गांव पहुंची। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के निर्देशानुसार वन विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज सागर, आगरमालवा, शहडोल सहित विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय जैव विविधता क्विज का आयोजन किया जा रहा है। आगरमालवा में किए गए नवाचार बेटी की बेटी के तहत जिले के प्री मैट्रिक सीनियर बालिका छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर संजय कुमार ने कहा कि आज के समय में भी बेटियां खुलकर अपनी बात इस बेटी में रख सकती हैं। भिंड जिले में बैसली नदी में आज नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई।
होशंगाबाद जिले के बाबई थाना क्षेत्र में आज सुबह एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार कुछ छात्र घायल हो गए, बाकी बच्चे सुरक्षित हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आकाशवाणी भोपाल से अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।